हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेबटेक लर्निंग। आई एम शैलजा शर्मा और आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि गूगल आपकी ईमेल्स को कैसे स्पैम और नॉन स्पैम में फ़िल्टर कर देता है और आपको कुछ उसमें करना भी नहीं पड़ता? जो आपकी इम्पॉर्टेंट ईमेल्स होती हैं उनको एक तरफ कर देता है और जो लेस इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको एक तरफ कर देता है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि गूगल ट्रांसलेट कैसे 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर देता है? कभी ये सोचा है कि कैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लोग इन्वेंट कर रहे हैं और कहीं ज़्यादा लोग इसको इन्वेंट करने में और इसको सक्सेस करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं? क्या आपने कभी इस पे ध्यान दिया है कि जब आप कहीं भी शॉपिंग साइट पे शॉप करते हो तो कैसे उसके रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आपको शो हो जाते हैं? तो क्या कभी आपने इतना डिटेल में सोचा है कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं? सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ ऑल दीज आर बीइंग पॉसिबल। सो द आंसर इज मशीन लर्निंग। सो कई तरह की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको ह्यूमंस खुद सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको ये बोला जाए कि आपको एक पिक्चर दी जाती है जिसमें आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ये कैट्स की पिक्चर है या डॉग्स की पिक्चर है, तो ये ह्यूमंस के लिए ये नॉर्मल सी चीज़ है, वो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये बोला जाए कि आपके पास लॉट्स ऑफ ईमेल है, आपको उसको स्पैम एंड नॉन स्पैम में डिफ्रेंशिएट करना है, बट ये चीज़ें नॉर्मली सॉल्व करी जा सकती हैं। बट अगर इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर लॉजिक के साथ एक प्रोग्राम लिखना हो, तो वहाँ आप इजीली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, आपको एरर्स आ सकते हैं उस लॉजिक के अंदर। तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम एक मशीन के अंदर इंटरप्रेट करते हैं, एंड उसी सारे कंसेप्ट को हम मशीन लर्निंग का नाम देते हैं। सो मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रहता है। सो मशीन लर्निंग में बेसिकली हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि हम एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाएं जो ह्यूमंस की तरह काम कर सके और या फिर कभी ऐसी चीज़ें कर सके जो कभी ह्यूमंस भी ना कर पाए। सो इसमें मेन प्रोसेस ये होता है कि हम उन मशीन्स को या फिर हम उन प्रोग्राम्स को लॉट्स ऑफ रेलिवेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू वो एल्गोरिथम्स को मेंटेन करके उनको लर्न कर सकते हैं जैसे ह्यूमंस लर्न करते हैं। सो अगर हम डाटा की बात करते हैं तो हमारे डाटा में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी काम करना हो, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कैट्स एंड डॉग्स के अंदर ही डिफरेंशिएट करना हो, तो मुझे तो ये पता है कि मैं कुछ चीज़ को कैसे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ कि कैट्स के ऐसे कान होते हैं, ऐसे नाक होते हैं, डॉग्स में ये डिफरेंस है, कैट्स में ये डिफरेंस है। बट अगर इसी चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, इसी डिफरेंस को मैथमेटिकली मुझे प्रोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है। सो इसीलिए मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशंस हैं डाटा की वो खुद से ही लर्न कर सके। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमें कंप्यूटर्स को बाहर से प्रोग्राम्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा एक जर्नल एल्गोरिथम हो जो खुद से ही डाटा ले और लर्न करते रहें, मतलब मशीन्स खुद से ही अपने एल्गोरिथम्स और डाटाज को खुद से लर्न करें। सो अब बात करते हैं कि मशीन लर्निंग को सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली मशीन लर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते। मशीन लर्निंग को स्टार्ट करने से पहले आपको पाइथन लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। आफ्टर दैट आपको डाटा साइंस का कंसेप्ट नॉलेज होना ज़रूरी है, एंड आफ्टर पाइथन एंड डाटा साइंस यू कैन लर्न एंड जंप इनटू द मशीन लर्निंग कंसेप्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द मशीन लर्निंग कोर्स। अगर आप किसी IT बैकग्राउंड से हैं या आपने जस्ट +2 भी पास आउट किया है, तभी भी आप इस मशीन लर्निंग के कंसेप्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर इन चंडीगढ़ एंड आप चंडीगढ़ में अगर इन कोर्सेज को सर्च कर रहे हैं, सो मस्ट विजिट WebtechLearning Academy once। थैंक यू।